नमस्कार, मैं हूं अंकित जायसवाल और आप देख रहे हैं जौनपुर लाइव। हाल ही में जौनपुर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ का चुनाव हुआ, जिसमें विश्व प्रकाश श्रीवास्तव को अध्यक्ष और राजन मिश्रा को महामंत्री बनाया गया। दीपक श्रीवास्तव जी एपीएन न्यूज़ चैनल के जिला संवाददाता हैं और राजन मिश्रा जी इंडिया न्यूज़ चैनल के जिला संवाददाता हैं। राजन मिश्रा जी का करियर लगभग 8 साल का रहा है और अपने करियर में इन्होंने दर्जनों लोगों को प्रशिक्षण दिया है। हाल ही में BHU में एज ए फैकल्टी के रूप में गए थे, वहाँ पर इन्होंने लगभग सैकड़ों छात्रों को अपनी एक्सपीरियंस साझा किया। हम राजन मिश्रा जी का अपने चैनल के माध्यम से बधाई देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के महामंत्री बनाए जाने पर और साथ ही इनका स्वागत करते हैं। राजन मिश्रा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। राजन मिश्रा जी, आप महामंत्री बनाए गए हैं, तो इस जिम्मेदारी को आप कैसे निर्वहन करेंगे? जी बिल्कुल अंकित, जैसे बता दूं कि अब मुझे एक जिम्मेदारी दे दी गई है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ का महामंत्री बना दिया गया है मुझे। तो पहले तो मैं अपने जो वरिष्ठ हैं हमारे संघ के लोग, उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही जो हमारे सदस्य हैं संघ के, जो और हमारे भाई हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने मुझे इस योग्य समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। क्योंकि पहले जब हमारा परिवार होता है, जैसे हम छोटे बच्चे रहते हैं, तो हमारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं, अपने हिसाब से हम खेलते हैं, घूमते हैं, मौज करते हैं। और जब हमें जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो उसके बाद हमें समझ में आता है कि हमें क्या काम करना है और किस तरह से हमको पूरे परिवार चलाना है। तो अब जब हमें महामंत्री बना दिया गया है संघ का, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है और इसे बखूबी निर्वहन करना है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे जो बड़े हैं, उनका भी मार्गदर्शन हमें मिलता रहे समय समय पर, और जो हमारे भाई हैं, जो हमारे छोटे हैं, वो भी हमारा सहयोग करते रहें, ताकि मैं अपने काम को बखूबी पूरा कर सकूँ। और जो भी हमें समस्याएं होती हैं कवरेज के दौरान, जो हमारे भाइयों को होती हैं, तो ऐसी कोई समस्या ना आए, पूरा संघ उनके साथ खड़ा रहेगा। और हम लोग की पूरी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम लोग एक अच्छा काम करें, जिससे कि हमारा दायित्व पूरा हो और साथ ही हमारे जो भी सदस्य हैं, जो भी भाई हैं, वो भी हमसे खुश रहें। जी अंकित जी, दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि राजन मिश्रा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उनका इंटरव्यू ले चुके हैं। अभिनेता राजपाल यादव का इंटरव्यू ले चुके हैं और रवि किशन जी का तो अक्सर इंटरव्यू लेते रहते हैं। हम राजन मिश्रा जी से चाहेंगे कि ये बताएं कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो युवा जनरेशन है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आप जैसे आपने बात किया कि यंग जनरेशन की, तो यंग जनरेशन आजकल आ जाती है फील्ड में, इस ग्लैमर में उनको लगता है कि बस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना है, चैनल पे दिखने लगेंगे। ये नहीं समझ में आता है कि स्ट्रगल कितना है। जब आप स्ट्रगल करेंगे तभी आप चमकेंगे, तभी आप उस बुलंदी तक पहुंचेंगे। तो मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। जब शुरू में मैं मास कम्युनिकेशन करके फील्ड में आया, तो यहाँ पहले मैं प्रिंट में जुड़ा। और ज़रूरी है कि अगर आप खबर को लिखना, आपको आना चाहिए, न्यूज़ सेंस होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास न्यूज़ सेंस है और उसको आप शब्दों में पिरोना जानते हैं, उसको आप लिखना जानते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं भी पहले आया तो रविकांत शुक्ला जी, जो राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ थे, उनका सानिध्य मुझे मिला। उन्होंने मुझे राष्ट्रीय सहारा में नगर संवाददाता के पद पर नियुक्त किया। मैं प्रिंट में काम किया, खबर लिखना मैंने सीखा, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सहारा समय के हसनैन जी से मेरी मुलाकात हुई। उनके जरिए मैं और भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, उनसे मैं मिला। सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा और आज भी मैं चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, लोगों से सीखता चला आ रहा हूं। और साथ ही जो भी युवा लोग इसमें आते हैं, उनको भी मैं अच्छा ही सिखाने का प्रयास करता हूं कि वो भी सीखें और अच्छा काम करें, और ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जब वो आ रहे हैं तो जो उनका उद्देश्य है उससे न भटकें। दोस्तों, राजन मिश्रा जी अपने टैलेंट के दम पर आज यहाँ तक का सफर तय किए हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये जौनपुर में क्यों हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि यहाँ तक का सफ़र और टैलेंट, तो चूँकि अनुभव मुझे यहाँ पे मिला और जौनपुर मैं इसलिए हूँ कि मैं देखता हूँ कि कई लोग कमेंट भी आते हैं कि आप यहाँ पे क्यों हैं, आपने भी आज ये पूछ दिया, तो बता देना चाहूँगा कि इसलिए जौनपुर में हूँ कि घर का सबसे छोटा सदस्य हूँ। बड़े भैया चित्रकूट हैंडीकैप यूनिवर्सिटी में हैं और दूसरे भैया मर्चेंट नेवी में हैं, तो वो भी घर से बाहर रहते हैं। मम्मी पापा हैं, दादाजी हैं, तो उनकी भी सेवा करने के लिए कोई रहना चाहिए, जब लोग बाहर ही चले जाएंगे। और घर पे यहाँ पे ज़मीन भी है, आवास भी अपना है, पुश्तैनी मकान है, तो सबकी देख रेख भी करना ज़रूरी है। और घर पे रह के अगर हम मान सम्मान के साथ अगर पैसे भी कमा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा क्या अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं अभी घर पे हूँ और फिलहाल अगर मुझे मौका मिला भविष्य में, तो मैं बाहर भी निकल जाऊँगा। घर पे रहना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, अगर मौका मिला तो मैं बाहर भी ज़रूर जाऊँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजन मिश्रा जी अपना कीमती समय देने के लिए, और आप देखते रहिए जौनपुर लाइव। धन्यवाद।